हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब का क्यूब रूट निकालना, जिसमें देखेंगे अपन पिछले क्लास में घनमूल निकालना सीखे थे, आज अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो अपन देखिए 0.91 का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें से अपन 91 कैसे करेंगे जी, एक तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें पॉइंट ले सकते हैं क्या, आपको मैं चार तरीके से भी बता सकता हूँ। इसमें एक तरीका बताते हैं, 0.81 है तो इसको 100 लिख सकते हैं क्या पॉइंट हटाने के लिए। तब 91 कैसे आता है, 81 कैसे आता है जी, 9 × 9 और 100 कैसे आता है, 10 × 10 करते हैं। अब इसमें घनमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 9, अरे अंडर रूट में इसमें 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, वहाँ 3 था घनमूल में। तो अब अंडर रूट से अंडर रूट क्या होता है जी, कैंसिल हो जाएगा ना, तब क्या आ जाएगा जी, हम घनमूल निकाल देंगे इसमें। तो घनमूल निकालना आपको कैसे समझ आएगा, देखिए अब इस 9 को 9 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या होगा जी, एक घनमूल के रूप में निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, यही तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0025 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, 0.05 × 0.05 ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो। अब देखिए यहाँ पे बात आती है 0.05 × 0.05, तो 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना 25 आएगा, 0.00 आएगा, इसका आंसर देखेंगे कितना आएगा। तो अब देखिए वन टाइम में निकलेगा बाहर तो 0.05 इसका क्या होगा जी, आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्या दिया हुआ है, 0.0121 दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नंबर दिया हुआ है, अगर घनमूल के अब उसमें डाल के लेके बाहर निकालेंगे तो कैसे होगा। अब घनमूल निकालना है तो ये तो पूरे अपन घनमूल में है, तब इसको घनमूल के अंदर ही कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 11 × 11 करेंगे तब क्या निकल जाएगा जी, हमारे पास 0.11 निकल जाएगा, जो क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब इसको आप थोड़ा आप सोच के बताइए जल्दी से कैसे करेंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीन नंबर दिया हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं क्या अपन अंडर रूट, अगर घन निकालना है तो 0.00441 तब देखेंगे तो 0.021 का मल्टीप्लाई 0.021 से करना है, तब वन टाइम अपना बाहर निकलता है जी, तो क्या निकल जाएगा इसमें 0.021, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। देखिए इसमें कैसे करेंगे अपन का, अब आ जाता है यहाँ पे घनमूल निकालने के लिए ना, तो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब 1, 2, 3 तो अपने को पता है घनमूल निकालना है तो यहाँ से 3 रहता है, तो 0.3 का मल्टीप्लाई 0.3 से करेंगे और 0.3 से करेंगे तो क्या होगा जी, 1, 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ देखिए सेकंड वाले में, अब सेकंड वाले में इसमें भी घनमूल लगा दीजिए आप तो 1.331, तो ये कैसे आएगा अपना देखिए, तो 1.1 का मल्टीप्लाई 1.1 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा वन टाइम बाहर हो जाता है अपना, तो 1.1 आ जाएगा जी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखिए कैसे होगा।
अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसको लिख सकते हैं क्या 216, और यहाँ पे पॉइंट की जगह ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 0 लगा दिए। अब ये 216 कैसे आता है, 6 × 6 × और यहाँ पे देखिए 6 है तो 100 × 100 × 100 हो जाएगा। अब सब में अंडर रूट डाल दीजिए, तो अंडर रूट डाल देंगे तो क्या होगा जी, 1, 6 तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा 100 निकलेगा। हाँ अब 100 में इसमें करेंगे तो ये 1 की जगह तो पॉइंट लग जाएगा, और 2 नंबर है तो 2 नंबर के बाद क्या होगा जी, 0 लगेगा, तो 0.06 लिख सकते हैं क्या इसका आंसर। अब इसका देखेंगे तो इसका कैसे होता है जी, तो 58 32 कैसे आता है हमारा, 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 times 18 × 18 तो कितना होता है जी 324 होता है। अब फिर इसमें 18 × करते हैं तो 58 32 आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अपना 0.00582 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0.18 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको निकालेंगे 1 time में बाहर निकलेगा 0.18 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं जी, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद हो तो, ठीक है। तो देखिए 729 का एक तो आप मेरे को इस क्यूब रूट भी बताइएगा और स्क्वायर रूट भी बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है।